क्या कर रही हो? ये वाला इतना सारा इयररिंग्स लेके आए हैं हम। दिखाओ। वाओ, सारा तो हम ही पसंद करके दिए। तो क्या दुकान में जितना भी कलेक्शन आया था ना सारा ले लिए। और एक कलेक्शन था इसमें से, लेकिन उसमें से नहीं लिए, इसमें से सारा कलेक्शन ले लिए। ऊपर करके दिखाओ, इसे नहीं दिखाया, खाली इयररिंग ही दिखाई दी। दिखाते एक एक करके दिखा रहे हैं आप लोग, इतना सुंदर सुंदर इयररिंग लेके आए ना आज। उस बार तो लेके आए थे सारा दिखाई दिए थे ना, एक बार बीच में लाए थे चार पाँच पीस, फिर उसके बाद नहीं दिखाया, दो तीन पीस ही लाए थे, ज़्यादा नहीं दिखाए थे। ये वाला देखो आज 10 पीस लाई है, 10 पीस है, बहुत सारा, बहुत सुंदर सुंदर पे। मतलब पता है मेरा इयररिंग इतना फेवरेट है ना, क्या है मैं बोलूँ। देखो ये वाला कितना सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर मेरे को ये वाला लगा फर्स्ट टाइम, मतलब बिना देखे ही ये वाला ले लेते थे। ये और ये वाला तो खैर कलर का है, ये वाला देखो कितना सुंदर कलर है इसका। अभी इस टाइप का साड़ी एक आया हुआ है ना, इसी के साथ मैच। अभी जितने भी साड़ी मेरा आया है ना कोलैब के लिए, जिम्मी छू साड़ी है ना एक, उसमें मैच हो जाएगा ना। ये वाला, ये तो उसका कलर है, एक रेड कलर, ये तो सब में चलेगा, बहुत सारा रेड आते रहता है। मेरे पास ना ब्लैक कलर का नहीं था एक भी, था लेकिन छोटा छोटा था, ब्लैक नहीं था। ब्लैक भी एक ले लिए, ब्लैक साड़ी भी आता है ना, तो ब्लैक में पार्टी वेयर ड्रेस में अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। ब्लैक कलर का ही पार्टी वेयर जी इसमें लेना ड्रेस, पार्टी में भी जाएंगे ना जी, अगर एनिवर्सरी में जाएंगे ना तो देख के क्या लेंगे। मल्टी कलर है सब में चलेगा। ये वाला और एक येलो कलर था, येलो कलर मेरे पास नहीं था अभी, बट वो वाला थोड़ा सा सूट वगैरह का, मतलब साड़ी का था, ये थोड़ा सूट वगैरह में भी चलेगा। हाँ, और एक बात मुझे आप लोगों से पूछना था कि मुझे जिया के एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, तो मैं ऐसा कौन सा, मतलब कुछ मैं सोच रही हूँ ना कि गाउन वगैरह लूँ, तो कौन से कलर का लूँ ये आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना प्लीज़। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैं कौन से कलर का गाउन लूँ। अभी मैंने लिया नहीं, मैं मार्केट जाऊँगी कल या परसों जाऊँगी मार्केट, तब लूँगी जाके। ये कलर इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर ये कलर, पिंक कलर, पिंक कलर। सारा इयररिंग 300 का है, ज़्यादा का नहीं, 300 है ना। बहुत सुंदर कलर है, एकदम मस्त कलर, ये कलर बहुत दिन से टूट गया, उसका कम दिया था। ये सब ये देखो 350 का है, 10। ये ऐसे भी तो जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए, जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं ना, जीन्स वगैरह अगर पहनते हैं तो इस टाइप को बहुत सुंदर लगेगा। छोटा छोटा भी लिए, एक ये तो छोटी है, ये भी पर्पल कलर का साड़ी तो मेरे पास में अधिकतर आता है। तो ये था मेरा इतना सारा इयररिंग्स। एंड अब मुझे करना है पता है क्या, अब तुम वो वाला इयररिंग ना उस सूट में पहन चुकी थी शायद, नहीं पहने। अब मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जिया जो पार्टी में कौन सा ड्रेस पहन के जाए, क्या पहने, साड़ी तो नहीं पहनेंगे, थोड़ा मुझे रेडी टू वेयर वाला ड्रेस आता है ना, साड़ी नहीं बोल रहे हम, तो कुछ आउटफिट कुछ अच्छा वाला, वही तो बोले कि मतलब गर्ली टाइप से कुछ। हाँ, तो ये तो बोले आउटफिट ले लेना कुछ अच्छा वाला, कुछ आउटफिट वगैरह या फिर कुछ अच्छा सा कुछ लेना, उसी में चलना ना, शोभा साड़ी में उसमें एक से एक आता है आउटफिट, सब मस्त मस्त कर रहा है। अभी जो गए थे ना मार्केट में, तो वहाँ पे इसमें देखे थे, संगम में ना एक देखे थे, बहुत सुंदर आउटफिट था वहाँ पे, देखते। लेकिन आप लोग मुझे कलर्स मतलब जरूर सजेस्ट करना, वैसे मैं जब जाऊँगी ना वो लेने के लिए तो मैं ब्लॉग तो बनाऊँगी उसका, देखती हूँ क्या देखते हैं, समझ में। आज रात भर सोचूंगी बैठ के, कल या परसों तक मैं ड्रेस ले लूँगी, क्योंकि मैं अभी तक कंफर्म नहीं थी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो पाँव में फ्रैक्चर हुआ है तो इस कारण से मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं सोची ना कि जैसे भी कर मतलब कैसे भी करके मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी जिया से बहुत ही नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि वो भी बेचारी आई है मेरी एनिवर्सरी पार्टी में, मैंने जब भी उसको बुलाया तब वो आई है, तो मेरा भी जाना बनता है, पास की हूँ, जब इतने दूर से सब आते हैं तो मैं क्यों ना जाऊँ, इसलिए मैं जाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। बस मेरे को ना कपड़ा का ही प्रॉब्लम है कि पहनूँ क्या, सब को यही लगता है ना कि कपड़ा का प्रॉब्लम है, लेकिन ये फीलिंग कोई नहीं समझता कि सच में। ये दोनों नहीं दिखाई, ये रिंग व्हाइट वाला और ब्लैक वाला,
ये वाला भी बहुत सुंदर लगा, अभी मैं पहनी थी इसको, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब टॉप वगैरह पे, जींस वगैरह पे पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा ये वाला। जींस मैंने इसमें भी अच्छा लग रहा, मतलब सिंपल सा कोई ड्रेस भी पहनेंगे उसमें भी अच्छा लग रहा, अच्छा लगेगा जींस टॉप में। और ये वाला तो उसका ब्लैक, ये भी अच्छा लगेगा जींस पे, क्योंकि जींस पे पहनने के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता है मुझे टाइम में। फिर वो वाला नहीं ली, बाली वाला ये रिंग नहीं ली जींस में पहनने के लिए। अभी तो तीन कलेक्शन था ना, तीनों में से ले ही लिए, तीनों डब्बा में से सारा ले ही लिए। ये वाला बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत मेटल का, इतना प्यारा लग रहा है ना इसको, ऐसा कुछ मैं पहनेंगे तो मस्त लगे। अभी मेरे पास एक सूट आया है प्रमोशन के लिए, उसमें पहनेंगे। कौन वो वाला? ब्लैक कलर का एक सूट आया पटियाला, ब्लैक ली थी, ब्लैक और ब्राउन, तो वो वाला पहन लेना, इयर रिंग ब्लैक वाला जो ली है वही तो अच्छा हो जाएगा। हमको आज नींद आ रहा है, और मैं जब ड्रेस लेके आऊंगी ना कल या परसों तो वो भी मैं आप लोगों को जरूर से दिखाऊंगी, आपको सजेस्ट करना कि ऐसा अच्छा है या नहीं है, मतलब कैसा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना कि मैं वो पहन के जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे ना जल्दी जल्दी कि अच्छा है या नहीं है तो फिर मैं रख लूँगी, अगर अच्छा नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा कि अच्छा नहीं लग रहा है अगर मैं उसे पहन के नहीं जाऊँ तो फिर मैं पास की दुकान से लूँगी, शॉप से, तो मैं उसे रिटर्न भी कर सकती हूँ। और अगर आप लोग की नज़र में कोई अच्छा सा ड्रेस हो तो आप उसका स्क्रीन शॉट भी मार के भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा मैसेज में मुझे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ ऐसा पार्टी वेयर, मतलब लाइट वेट हो एंड पार्टी वेयर टाइप हो, गाउन टाइप से, जैसे गर्लिश टाइप से, उस टाइप का अगर आप लोगों नजर में, इंगेजमेंट टाइप का, हाँ प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करना, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सच में रियली क्या पहनूँ। मैं कल परसों दुकान जाऊँगी तो मैं ऐसे आप लोगों से पूछूंगी, अगर ज़्यादा कमेंट ना हुआ तो फिर मैं उसे रिटर्न भी कर सकती हूँ। तो बाय बाय, ओके बाय, गुड नाइट आज के लिए, ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। इयररिंग्स के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही थी कि मेरा इयररिंग्स बहुत फेवरेट है, अभी मैंने ये लिया है, अभी मैंने 4000 का ये इयररिंग्स लिया है, अभी उस दिन भी मैंने 6000 का लिया था इयररिंग। तो बाय बाय।